एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालिक डॉक्टर दिलबाग सिंह हीरा साबका वाइस चांसलर पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंछी नू खर्च दे हुए परमात्मा दे चरणा विच जा बिराजे। उना दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उना दे समूह परिवार वल्लों जिना विच श्रीमती मनजीत कौर हीरा डॉक्टर दीप कमल कौर रंधावा इंजीनियर रुपिंदर जी सिंह रंधावा इंजीनियर मनदीप कौर हुंदल इंजीनियर रंजीत सिंह हुंदल जपजीत जपनीत जसलीन फतेहबीर जैसमीन अते उना दे समूह परिवार वल्लों सेक्टर 65 SAS नगर मोहाली विखे करवाया गया जिस विच रागी सिंगा वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सदा दिलबाग सिंह हीरा जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगढ़ अते सियाणे इंसान सन। आप जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया कर दे सन। सदा दिलबाग सिंह जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते जो कोई भी आप जी नूं एक वार मिल लंदा ता आप जी दा ही हो जांदा। मौजूदा समय विच डॉक्टर दिलबाग सिंह हीरा जी दे चंगे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलदा परिवार है, पढ़िया लिखिया परिवार है अते परमात्मा दे पाणे विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखदे हन। प्रभु के गीत
जगत में झूठी देखी प्रीत गुरमुख जन्म सवार दर गए चलिया सच्चे दर गए जाए सच्चा पिड़ मल दर ग जाए सच्चा पिड़ मल गुरमुख जन्म सवार दर गए चलिया सच्ची दर ग जाए सच्चा पिड़ मल चल चित ना हल्ले हल्लिया ना हल्ले हल्लिया ना हल्ले हल्लिया सच दर गए जाए सच्चा पिड़ मल जन्म सवार दर गए चलिया सच दर गए जाए सच्चा पिड़ मल लिया सच दर गए जाए सच्चा पिड़ मल
नैनो नक टू सर्वनो रस
पत इंद्री कहे न माना अब की बार बख्श बल दे को बहर न पाओ जल फेरा अब की बार बख्श बल दे को बहर न पाओ जल फेरा जल फेरा
साहिब से ओ मेल जो होवे
साहिब से उमेल कर करिए हो पहुंचा सदड़े नित पवन कर करिए हो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से सड़िया जो होवे साहिब से उमेल होवे साहिब से उमेल जो होवे साहिब से उमेल जो होवे साहिब से उमेल जो होवे साहिब से साहिब से उमेल होवे साहिब से उमेल होवे साहिब से उमेल आनंद एक ओंकार सतगुर परसाद शब्द गावन आया भरिया शब्द गावन आया भरिया शब्द गावन आया भरिया शब्द गावन आया भरिया राग रतन परवार भरिया राग रतन परवार भरिया शब्द गावन आया शब्द गावन आया शब्द गावन आया परिया शब्द गावन आया परिया शब्द गावन आया परिया आनंद भया मेरी माए सतगुरु वह पाया सतगुरु का पाया सहज से मन बजिया वादाया राग रतन परवार परिया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्द गावन आया शब्दों ता गावो हरे केरा शब्दों ता गावो हरे केरा मन जिने आनंद हुआ कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया सतगुरु में सतगुरु में सतगुरु में पाया।
हे मन मेरे तू सदा रहो हरनाल हरनाल लो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सबना कला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो विसार कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रहे करता तेरा सब कुछ है जिसते है सोगावे सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम दिल के मन वसया बजे शब्द गडेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिल भुखा सब कमाए कर शांत सुख मर आए वसया तेरे इच्छा सब पजाएगा सदा कुर्बान किता गुरमिटा जिस दिया है बढ़िया कहे नानक सुना संतो शबर करो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शबर तित कर सुभाग शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूध के दुवासी मीठे काल कंठ कुमार तुर करम पाया पूजन का से नाम हर के लागे कहे नानक तिस को भगत करे निवाजे अनुग सुनावट पाग्या सतम मनारत मोरे सुनी सच्ची बानी संत साजन भय सबसे पूरे गुरते जानी सुधरे पुरित कहते भगत सतगुर रहे अपन पूरे फिर भक्त नानक गुरु चरण लागे वाजे अमर दुस पवन गुरु बाणी पिता माता तर्क महत दिवस रात गदाई दया केले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचा धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया शक्त खाल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मशक्त खाल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल केती छुट्टी नाल केती छुट्टी नाल वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लीति आए फिरंगत गुर ते अमरदास मदासा हो सहाय ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉਣ ਦੀ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੁਣਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੁਣਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੁੱਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕੋ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਰਸਿਆ ਰਹਿ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਰਤ ਕੀ ਪਾਇਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੂਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕਿਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਵੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੀ ਮਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਕਾ ਫਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਆਪਣੇਪਨ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਹਿਤ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਆਸਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤੇ ਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ
आप सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद सच्चे पातशाह महाराज जी हो। भाई साहब भाई सरदार डॉक्टर दिलबाग सिंह जी को जिंदगी दे विच विचरदियां कोलों जाने अनजाने दे विच अनेक ही प्रकार दियां भुल्लां गलतियां होईयां होणगियां अनजान सेवक जाण के होईयां भुल्लां बख्शणे सच्चे पातशाह महाराज जी अपने चरणां विच निवास बख्शणा पिछों परिवार को भाणा मनण का बल बख्शणा सच्चे पातशाह महाराज जी हो। संबंध दे विच दूरों नेड़े आ के सरबत संगतां दे वलों रिश्तेदारां दे वलों मित्रां दोस्तां दे वलों परिवार दे वलों आप दियां दरबार दियां हाजरियां भरियां गईयां सच्चे पातशाह महाराज जी सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां तिल फुल पटावां प्रवान करनियां तार पिता जी हो। इन्हां कारजां नूं मुख रखदे होए गुरमुख परिवार दे वलों आप जी दर ते पंचम कड़ा प्रसाद सज के हाजर होए आप जी दर ते भोग लगे भोग लग्या प्रसाद साध संगत सिंह लकवे सच्चे पातशाह महाराज जी हो। आप जी ने कृपा करनी विछड़ी रूह नूं अपने चरणां विच निवास बख्शना आवागमन दे चक्कर तों बचा के रखना तार पिता जी हो। परिवार नूं भाणा मन दा बल बख्शना सच्चे पातशाह महाराज जी होईयां भुल्लां बख्श देणियां कृपा करो पावन पवित्र हुक्मनामे सुना के संगतां नूं कृतार्थ करो अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ़ करनी सरबदे कारज रास करने सही प्यारे मिलने जिन मिलिया आप जी का नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सोनिहाल निमख निमक तुम ही बरत पालो हम बारक तुमरे तारे जिहवा एक कवन गुण कहिया बेशमार बेअंत स्वामी तिरुअंत ना किन्ही लहिया कोट पराध हमारे खंड अनक विधि समझाव हम अज्ञान अल्प मत तोरे तुम आपन बिरद रखाव तुमरे शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले रखो रखने हार दे अल्लाह नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले रखो रखने हार दे अल्लाह नानक करके गोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नाम ध्याया गए बसकत काल नानक दे मुखी उजले केती छुट्टी नाल सरदार दरबार सिंह जी ने प्रथाए जितनिया भी संगतां गुरु दरबार दे विच पहुंचियां ने इन्हों देख के पता चलता है कि किते हुए कर्मां का फल क्योंकि जो जीव संसार के फिर पता लगता भी बाद कितने के मित्र दोस्त रिश्तेदार इतना ठाठा मारता कट इस गल की गवाही भरता है कि हीरा साहब जी ने इस संसार के आगे शुभ कर्म किए ने दास उन्होंने बहुत सत्कारयोग जो बेटियां बीबी दीप कमल कौर जी और बीबी मनदीप कौर जी उन्होंने गुरु घर वालों जो गुरु घर की बख्शिश सरपौदी दा भोले सोनिहा भोले सोनिहा। अज आप बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर के प्यारे बहुत महान विद्वान एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर दिलबाग सिंह जी हीरा जेडे कि कुछ दिन पहला उस परमात्मा के हुक्म अनुसार सदीवी विछोड़ा दे गए सन उन्हां दे निमित्त आपां समूह संगतां ने मिल के अरदास बेनती की है अते प्रधान साहब वालों भी बड़ी उन्हां दी प्रशंसा हीरा साहब की कीती है जिहड़े कि बहुत एक सुलझे हुए
एक इंसान सन, एक पिंड दे परिवार तो उठ के उन्होंने इन्नियां वड्डियां गुरु दी बख्शिश दारा मल्लां मारियां ने। वो GNC तो लैके बहुत वड्डे कॉलेजां च उन्होंने सेवा करन दा मौका मिलिया। उन्हां दा जिहड़ा जन्म आ वो 15 फरवरी 1942 नूं पिंड हवारा कलां ये खमाणों के नज़दीक है चमकौर साहब के उस तहसील जिथे उन्हां दा सार हरबंस सिंह पिता जी के घर माता ईश्वर कौर जी के कुखतों उन्हां दा जन्म होया। उस नगरे इन्हां दी जिहड़ी गोत है वह पंगू गोत आ जिहड़े कि इस इलाके दे विच बहुत वड्डियां बख्शा ने, जिहड़े कि भाई सुखा सिंह भाई महताब सिंह जिन्होंने मस्से रंगड़ का सिर वढ़ के बीकानेर के जंगलों लै गए से। ये सर महताब सिंह उन्होंने पोतरे सर रतन सिंह जी पंगू जिहड़े कि बहुत वड्डे लिखारी सन, जिन्होंने प्राचीन पंथ प्रकाश लिखिया। वो अमृतसर तो उन्हों का पिंड मीरांकोट से, वो इत्थे इस इलाके रोपड़ में आए। ये सारी जिहड़ी उन्हों की गोत सर रतन सिंह पंगू होना दी आ, अते जिथे एड्डी वड्डी महानता उन्हां दी उत्थे उस पिंड दे नगर दे विच ही बहुत वड्डे एक योधे भाई जगतार सिंह जी हवारा उन्हां दा नगर भी उह जिहड़े कि तिहाड़ जेल विच बंद ने, करके उस नगर की बहुत वड्डी महानता जिथों इन्हां दा जन्म होया। जिहड़ी मिडल दी एजुकेशन उह इन्हां ने अपने पिंड नगर तो स्कूल तो लई, जिहड़ी अगे मैट्रिक इन्हां ने खालसा स्कूल श्री चमकौर साहिब तो की। उस पवित्र नगर जिथे कि उस चमकौर की गढ़ी कच्ची गढ़ी जिथे दसम पातशाह जी ने आके जो आनंदपुर साहब का किला छड़दे ने उत्थे आके पहला पड़ा हुंदा, उत्थे जिहड़ी पहली जंग जिहड़ी हुंदी आ 40 सिंघां की 10 लख मुगल फौजां दे नाल लड़ाई हुंदी, उत्थे जिहड़ियां शहादतां हुंदियां ने, जिथे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी 3 5 प्यारे उत्थे शहीद हुंदे ने। उन्हां बाबत जिहड़े अल्लाह यार खां योगी जिन्होंने बहुत कुछ उन्हां बारे लिखिया, उन्हां दी इक रचना उन्हां जी हैगी आ, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए। वो चमकौर साहब दी उस पवित्र धरती तो प्रिंसीपल साहब ने हीरा साहब ने मैट्रिक की थी। इन्ने उन्हां दा मैरिट स्कॉलरशिप आया, स्कूल चों फर्स्ट आए, तो उत्थे उन्हां दा जिहड़ा हीरा नाम बारे भी एक चर्चा कि उन्हां दे मार्क्स इन्ने ज़्यादा आए तो उन्हां नूं शाबाश मिली कि तुसीं तो हीरे आ। ये दलबाग सिंह हीरा उन्हां दा नाम वह भी नाल उन्हां दे नाल जुड़दा। उस तो बाद उन्होंने जैन कॉलेज अंबाला तो FSC की, फिर 1962 चो गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज गए जिथे उन्होंने मकैनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री 1966 कंप्लीट की। उत्तों बाद भी एक बहुत एक स्टोरी जिहड़ी उन्होंने अपने एक फेसबुक पर पाई सी, रंबियां खरीदन गए घरों, फाद साहब ने भेजा कि गुडाई करने वास्ते रंबियां की लोड़ आ, वो पैसे लेके रंबियां लैन जाते आ। उदों ही उन्हों का रिजल्ट आना हुंदा, वो खमाणों तो होकर चले जाते हैं कि मैं GNEC तो जाके रिजल्ट देख आवां, चोरी चोरी जाते हैं GNEC चले गए। रिजल्ट जिहड़ा सी डिस्प्ले होया सी नोटिस बोर्ड पर, तो जां देखिया कि इन्ने मार्क्स, तो उहदे नाल एक नोटिस लगा सी कि जिहड़े पास कर रहे ने उन्होंने एक फार्म फिल करना, उन्होंने इत्थे एज ए लैक्चरर की पोस्टा भी आ वो तुसी मिलनियां। वो यारां दोस्तां ने कहा कि ये तुसी ये भी भरो, उहदी इंटरव्यू भी सी, कहिंदे मैं तो एक कपड़ा पजामा पा के गया सी, उत्थों मेरे दोस्तों ने मैनूं नवीं शर्ट लैके दित्ती, उत्थों ही पेंट दित्ती, वो मैं इंटरव्यू दी, तो वह पहली सिलैक्शन जी GNEC एज ए लैक्चरर उन्होंने 1966 होंगी आ। उस तो बाद कि मल्ला मारनिया शुरू हो जाए ने, फिर 1973
वह स्टडी लीव पर जाके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक चंडीगढ़ तो उन्होंने एम टैक की है जिड़ी कि बहुत असी उदों मैनू भी मौका मिलया। असी 1975 च आके गुरु नानक कॉलेज में एडमिशन ली। बहुत वड्डा उस कॉलेज की भी इस पंथ दे बहुत वड्डी देन आ कि जिहड़ा वो कॉलेज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बनाया गया जिथे 70% सीटा जिहड़ियां सी रूरल एरिया दियां रिजर्व हुंदियां सी। मैनूं ज़्यादा कि आपां नूं सारिआं नूं वड्डा मौका इस करके मिलिया वो 70% की जिहड़ी रिजर्वेशन सी। बहुत पंजाब दे इंजीनियर जे आपां किसी फील्ड च भी देख लीए चाहे वह पंजाब बिजली बोर्ड आ चाहे वह BNR आ चाहे इरीगेशन आ चाहे वह पब्लिक हैल्थ आ जां आर्मी देख लीए। उस तो मगरों जे आपां USA कैनेडा इंग्लैंड जर्मन ऑस्ट्रेलिया देखिए तो उत्थे GNC दी परमार आ एक साडा बहुत वड्डा है वड्डा कॉलेज सी जिथे उन्हां नूं बहुत लंबा समा उन्होंने उत्थे सेवा की। फिर उस तो मगरों उन्होंने जिहड़ी PhD जिहड़ी आ उन्होंने IIT रुड़की तो जिहड़ी आ उह कीती उन्होंने अते उह फिर कुछ GNC तो बाद बठिंडा एक गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बनिया ज्ञानी जैलसन के नाँ पर उत्थे एज ओ प्रिंसीपल गए 1966 के गए ने 1992 उत्थे प्रिंसीपल रहे अते फिर उन्होंने उस तो बाद दोबारा एक रहा वापस उन्होंने कॉलेज लिया जाता भी फिर GNC आ गए। फिर उतों वो सलाइट के जिहड़ा संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लौंगोवाल उत्थे एज ए उत्थे एडवाइजर जाते हैं अते उस तो बाद फिर उन्होंने उत्थे डीन जड़े अकैडमिक अफेयर सीगे अपने लौंगोवाल। फिर उस तो बाद प्रिंसीपल बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज फतेहगढ़ साहब आते हैं जिथे उन्होंने फिर बहुत बहुत वड्डियां सेवावां कीतियां ने। उत्थे उन्होंने मेल जिहड़ा जहेदर गुरचरण सिंह टौड़ा होने के नाल जाति तौर पर भी हुंदा वह भी इन्हां दे बड़े प्रशंसक सीगे यह भी उन्होंने बड़ी प्रशंसा करते क्यों कि एक ऐसा सुमेल सी कि एक एजुकेशनिस्ट का एक एजुकेशन की सुध रखने वालों का उन्होंने बहुत उत्थे बहुत वड्डा काम किया। उस तो बाद उन्होंने फिर शहीद ऊधम सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज तंगोरी इत्थे उन्होंने आके सेवा निभाइया जिथे बड़ा लंबा समा रहे अते उस तो बाद उतों ही उन्होंने VC जी उन्होंने उस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने उन्होंने गुरु कांशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साहबो उन्होंने बनाई अते वो पहले VC जड़े ने डॉक्टर दिलबाग सिंह हीरा वो पहले VC बने साढ़े कॉलेज के प्रोफेसर के विचों वो पहले VC भी बने जेडे बहुत मैं समझदा भी उन्होंने नाम ना अते समझदे सी सारे GNE सी असी मैं माण महसूस करते हैं कि दिलबाग सिंह हीरा साढ़े सीनियर सी साढ़े उस कॉलेज के सी। तो उस बाद फिर उन्होंने सोसाइट के विच भी सेवावां निभाइया हुण एज ए डायरैक्टर भी कंसल्टेंट करते सी अते उन्हां दे नाल बहुत जिहड़ियां उन्हां दी अचीवमेंटा भी ने जिहड़ियां होईयां उन्हां नूं जिहड़ियां कि इंडियन सोसाइटी ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन उहदी उन्हां नूं फैलोशिप भी मिली अते उन्हां दी लाइफ जिहड़ियां अचीवमेंट सी जिहड़ियां ने उन्हां नूं उत्थों मिल उन्हां नूं प्रवान होईयां तो उन्होंने बहुत इन्नियां वड्डियां मल्लां मारियां ने जिहड़ा उस असीं माण महसूस करते हाँ। अते उन्हां दी मैरिज सरदारनी मनजीत कौर दे नाल होई वो भी उन्हां दा बहुत वड्डा साथ सी। असी उदों कॉलेज पढ़ते सीगे कि भैन जी होनी भी बड़े खाड़कू सी डॉक्टर हीरा भी जिथे एक बहुत धड़ल्ले वाले एक प्रोफेसर सी प्रिंसीपल सी इंसान सी उत्थे सरदारनी मनजीत कौर भी उन्होंने भी बहुत जिहड़ा उन्हां दा साथ दिता वो बड़े सत्कारयोग ने बड़े कम्मां च उन्हां दा वड्डा योगदान आ। अते उन्हां दीआं दो बेटियां जिहड़ी बेटी दीप कमल कौर रंधावा अते उन्होंने भी MTech कीती PhD कीती अजकल वह जिहड़ा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर जलंधर उत्थे एज ए हैड ने अते उन्हां दी शादी सार इंजीनियर रुपिंदरजीत सिंह रंधावा जिहड़े कि चीफ इंजीनियर ने बिजली बोर्ड पटियाला उन्होंने होई अते छोटी बेटी मनदीप कौर उन्हें शादी सार रणजीत सिंह हुंदल जिहड़े को भी इंजीनियर ने ऑस्ट्रेलिया दे विच ने बेटियां दियां अगे बेटियां दे परिवार बहुत कमाल दे ने एक एजुकेशन सारे ने
ਅਤੇ ਇਹ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ GNEC ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ RP ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਧਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ VC ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰ, ਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ GNEC 'ਚ DP ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 1975 ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਭਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਤੰਗੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਬੁੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੰਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ GNEC ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਕਰਨਲ JS ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਸਕੋਲਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ। ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਬਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1961-62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ। 4 ਸਾਲ ਉਹ ਮੇਲ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਜੌਹਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ MSc ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, 6 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ
समय लई कि इन्ने लंबे समय लई कि उन्होंने पढ़ाए हुए जिन्हों का पता नहीं किन्नियां दा जीवन उन्होंने सुधार दिता है हुण तां। फिर उन्होंने जीवन चो जो कुछ हुण मैं अखीरले टाइम ते उन्होंने नाल मेल मिलाप होया जदों बीमार हो गए सी, दो चार बार उन्होंने घर जाके मिलिया। सब तो वड्डी चंगी गल जिहड़ी मैनू लगी कि उन्हों का मनोबल बहुत उच्चा सी। कदे एक बार भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि मैनू ये तकलीफ है या ये है, नहीं तो आम तौर पर असी कोसना शुरू कर दें चाहे डॉक्टर नू, इतों तक कि असी परमात्मा नू भी नहीं बख्शते। पर उन्होंने कदे कदे ये गल का जिक्र नहीं किया, बल्कि उ अपने पुराने टाइम चले जाना, हसना, गल्लां बातां करनियां, एक बार भी इस गल का नहीं। तो इस तो पता लगता है कि वह किन्ने सुलझे हुए तो किन्ने समझे हुए इंसान से। उन्होंने इत्थे पहुँचने विच साड़ी भैन मनजीत कौर ने बहुत साथ दिता है। एक कल्ला इंसान इस पदवी ते पहुँचने विच बहुत औखा होएगा, तो इन्होंने उन्होंने पूरा सहारा दिता, बच्चों की देखभाल भी की, अपनी भी पढ़ाई की। तो उन्होंने बच्चियों बारे हमने दस के हटे ने कि वह कितने पहुँच चुके हैं, पूरा एक तरह का इंजीनियरिंग का ही परिवार बन गया है सर। तो असी तो वाहगुरू अगे अरदास करते हैं कि इन्हां दे परिवार नूं परमात्मा शांति बख्शे। तो वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया च बैठी सार संगत जी, वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। थानू हैरानी होगी कि किदां दी औरत है ये, घर वाले का सेवा नहीं ठंडा है, ये माइक लेके खड़ी है। मैं बोलना सी, मैं उहदे बारे बोलना सी। ओ मेरा जी, मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की उपासक है, मैं उहदी सिंगड़ी है, मैं जिंदगी दे हर जंग नूं उहदा पाणा मिठा करके मनूंगी, अगे वधूंगी, बच्चियां नूं वधाऊंगी। ये कहिंदे दरख्त नालों पत्ता भी टुटदा तां सिमदा है। पर मैं माई भागो की औलाद है, मैं उन्हां दी, असी उन्हां दी अगे विरासत है, जिन्हें 24 मुक्तियां नूं वंगार के गुरु तो माफिया मंगा के बेदाबा पड़वाया सी। तो फिर मैं किदां डुल जूंगी, ये तो मैं नहीं रोंदी, मैनू उन्हां दे दोस्त मित्र, उन्हां दे स्टूडेंट्स रोआ रहे ने। ओ मेरा पति भी सी, मेरा दोस्त भी सी, मैनू कितों नहीं रोकिया, मैनू कितों नहीं रोकिया। मेरा पढ़न सारा, मैं मास्टर्स डिग्री आफ्टर मैरिज की जदों उन्होंने एमटेक की, उस तो बाद बीएड मैं उदों की जदों मेरी बेटी 9 सी बड़ी। मैं जिधरों भी मैनू अमरीका का फोन आ गया कि मैं थक गई हाँ सुन सुन के, पहला रोन लग जाते ने। असल च बस ये तो इन्ना क कह के मैं बंद कर दी। मैं सारी संगत का धनवाद कर दी हाँ जिन्होंने दुख में शरीक हो के मेरे दुख में वंडाया है, क्योंकि दुख वंडाने नाल घटता है, खुशी बढ़ती है। बाकी उहदी याद तो मेरे अंदर है, वह तो हमेशा मेरे नाल है। मैं तो लगता हूँ भी मेरे पिछे खड़े ने, मैं तो ही बोल रही हूँ, मैं किदां बोल सकती सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।